वेलकम वेलकम शाही नगर किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल ही इजी वे में आज मटरी शक्कर पाला बनाने जा रही हूँ मीठा। ये दो प्याला मेरा गेहूं का आटा है, एक प्याला चीनी पिसा हुआ है, सूजी है, सौंफ है, तिल है सफ़ेद वाला, और ये अजवाइन है, ये बेकिंग सोडा, चीज़ों को इसमें डाल रही हूँ। ये चीनी लिए, सूजी लिए। बहुत शानदार ये नाश्ता बनाएंगे, देखेंगे बहुत इजी वे में बनाएंगे। ये अजवाइन क्रश करके, अजवाइन की खुशबू कितनी अच्छी लगती है, हमें तो बहुत पसंद है, बहुतों को नहीं पसंद है, जैसे बहुतों को धनिया नहीं पसंद। ये सौंफ, जो सौंफ है आपके पास बारीक मोटा जो भी सौंफ है वह ले सकती हैं। ये तिल, एक पिंच, सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, तब इसमें घी देंगे। खस्ता वगैरह में, शकरपाला वगैरह में, इस सब में घी अंदर में पड़ जाता है तो थोड़ी सी खुशबू अच्छी हो जाती है। आप ऐसे जो भी चीज़ खाती हैं, जो भी वनस्पति डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। ये पूरे चीज़ों को अच्छे से, चीनी को भी अच्छे से पूरा बारीक करके मिला करके छान करके ही लेना चाहिए। मैदा वगैरह कुछ भी, आटा है, चीनी है, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, हो सकता है कीड़ी लग जाए। देखिए पूरे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें हमने घी को पिघला करके रखा है, ये कम से कम 150 ग्राम है वजन से। ये हर चीज़ ली जाती है क्योंकि मेरा आटा अब जाकर 500 ग्राम का लगभग है, तो इसलिए इसमें 150 ग्राम हमने घी दिया है। देखेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो अभी और थोड़ा सा लेंगे, अभी मिला रहे हैं, मिलाने के बाद देखेंगे मुट्ठी बांध करके, अगर मुट्ठी नहीं बंधेगी तो थोड़ा सा और इसमें ले लेंगे, ताकि अभी चीनी भी पिघलेगा। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, शाम के नाश्ते में कीजिए या सुबह के चाय में लीजिए। खूब अच्छे से दोनों हाथ से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा लगता पड़ेगा क्योंकि देखिए ये मुट्ठी अभी नहीं बंधी, खुल गई, थोड़ा सा और देंगे। एक चम्मच और हमने घी लिया, समझिए तो 200 ग्राम के लगभग घी पड़ गया। अब देखिए ये मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, यही पहचान होनी चाहिए। जब तक ये मुट्ठी नहीं बंधेगी समझिए कि आपका इसमें घी की कमी है या रिफाइंड घी है, वो जो भी चीज़ डाली है वो उसकी कमी आ रही है, इसीलिए वो ऐसा लग रहा है नहीं बंध रहा है, बंधना है ही। देखिए कितने अच्छे से ये बंधने लगा। मटरी शक्कर पालक है मीठी, इसको बनाएंगे। अब हल्का हल्का पानी देंगे क्योंकि ये आटा है, गीला नहीं होगा, मैदा रहता है तो गीला होने का डर रहता है, उस पर से सूजी है इसलिए गीला होने का सवाल ही नहीं है। सूजी थोड़ा सा पानी को सोख लेगी। आटा सानने के बाद इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आटे को छोड़ा जाता है। एक एक चीज़ सोच सोच करके आप लोगों के लिए लाती हूँ, सोचती हूँ कि आज क्या बनाना है, आज क्या डालना है, कौन सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग अपने शहर में इसको क्या बोलती हैं अपने ज़ुबान में, हमें ज़रूर से बताएं। अब इसमें पानी नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी थोड़ा सा चीनी भी छोड़ेगी। अभी से हमें सिर्फ
मुक्की दे दे करके इसको बराबर करना है। अच्छे से आटा हमने सान दिया। जैसा मैं बोलती हूँ हमें बहुत वक्त लगता है आटा सानने में। मैं यहाँ पानी झलते जाते हैं, नहीं करते हैं ना ही मेरे हाथ से आटा गीला होता है। अब इसको कल भी आप बनाएंगी तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, जब तक दूसरा काम निपटाएंगे। हाँ, इसको छोटा छोटा लोई बनाएंगे। इसको बेलन से बेलना नहीं है, थोड़ा सा और बड़ा लगेगा लगता है। मेरा ढक्कन है ना थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा लगेगा। इसको ऐसे प्रेस करके डालेंगे। प्रेस किए, ये ढक्कन है आपके पास जो भी है, ऐसे करके इसको दबा के इसको काट लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको निकाल दीजिए। ये देखिए लग रही है ना बहुत अच्छा देखने से। बच्चा को दूध का सा किनारे ताकि इधर से भी ये निकल जाए। बेलन का ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इसी तरीके से कर करके रखते जाना है। उसके बाद से तलते जाना है। थोड़ा सा मोटा किए आप इसे। शक्कर पाला कहिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास कटर है, मेरे पास कटर नहीं है तो मैं ढक्कन से काटती हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है, जो साधन है अच्छा, उसी से आप काट लीजिए। बस अब इसको और 2-3 टो दिखा देते हैं, इसके बाद हम लोई बना करके सब रखेंगे, उसका काटेंगे। अंदाज का लोई होना चाहिए, अंदाज का हर चीज़ होना चाहिए तो सही होता है। अब इसको कुछ नहीं करना, दबा देना, नीचे भी रख करके इसको थोड़ा सा दबा देना। इसको ऐसा करके कस के दबाना है। कटर रहेगा तो थोड़ा सा इसकी जो किनारी है निकल जाता है ढक्कन से। ये ढक्कन से किनारी नहीं निकलेगी, ये थोड़ा सा निकल जा रहा है, थोड़ा सा यही चीज़ इसकी खूबसूरती हो जाएगी कटर से। हर तरीके का जुगाड़ से इंसान को काम अपना करना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और देख करके दिखा देते हैं, इसके बाद सब आके सब करके रखेंगे, तब इसको फ्राई करेंगे। तेल हफ्ते से दबा देना है। इसको अच्छे से ऐसे निकाल देना है। हमने इलायची पाउडर नहीं दिया है, मैंने खाती हूँ इसलिए हमने नहीं दिया। आप खाएं तो आप दे सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है किनारे। अब मैं बाकी सब करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है, थोड़ा सा ऐसी बात नहीं, इसमें तो वक्त लगेगा ना। गोली एक बनाना है, इसको हाथ तलहत्ती से करना है, इसको बेलना नहीं है। बेलन से बेलिएगा तो पतला होगा कहीं। इस ढक्कन के पास बराबर इसको तलहत्ती से करना है, यही नाप रहे हैं। बार बार इसको दबा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए वक्त लग जा रहा है। लगा तो लगा, खाने की चीज़ है, लगेगा तो लगेगा, क्या टेंशन है, करना कौन चाहिए। इसको दबा दें, दबा करके काट ली। हो गया, ये आराम से निकल गया। हर चीज़ काम खूबसूरती से कीजिएगा तो काम खूबसूरती से होगा ही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मिट्टी पटरी कहिए या चर्चा कर पाला कहिए या जो आप अपने बोली में बोलती हैं अपना बोलिए। थोड़ा सा ढक्कन मेरा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, खाने से मतलब है बच्चों, चीज़ तो अच्छी बन रही है।
गरम हो चुका है, अभी थोड़ा सा और होगा। भात देख रहे हैं खोल रहा है, अब खोला नहीं है, नीचे से सब फिर ऊपर आ रहा है। अब इसमें देखते हैं ठुइया डाल करके, ये बनाया है बिस्किट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नहीं गर्म हुआ है, अच्छे से नहीं गर्म हुआ है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका, अब मैं एक ठो ये डाल के निकाल दे रही हूँ। दिखाए थे एक ठो डाला जाता है, देखा जाता है। खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, लेकिन फिर से मैं निकाल के दिखा रही हूँ। पूरा फैन भी ख़त्म हो चुका है, खूब अच्छा खासा। कचौड़ी कहिए, पटरी कहिए, शकरपाला कहिए, बिस्मिल्लाह, चाहे बिस्किट कहिए, जो जो भाषा में आप अपने बोलती हैं वो बोल सकती हैं। बिस्किट भी इसको बोला जा सकता है। ये अभी कच्चा है इसलिए फैन है, जब ये ऊपर सब आ जाएगा, देखिए इधर साइड से आ रहा है, सब आ जाएगा साइड से, जब ऊपर आ जाएगा पूरा फैन ख़त्म हो जाएगा, तभी इसको टच कर लेंगे। हो सकता है कि कहीं बिखर नहीं जाए, इसलिए पहले नहीं टच करना है। कोई भी चीज़ नाप का दीजिएगा तो कभी चीज़ ख़राब नहीं होगी, ना ही बिखरेगा। लोगों को बहुत डर रहता है, इसलिए शकरपाला वगैरह लोग नहीं बनाते हैं, ये मीठी चीज़ नहीं बनाते हैं, मीठी पटरी नहीं बनाते हैं, या चकरी का या बिस्किट का, ये वही डर से कि कहीं बिखर जाता है। बहुत से लोगों का नाप सही रखिएगा, हर चीज़ सही रखिएगा, अच्छे से आटा सानिएगा, तो एकदम यकीनी है वो सही होगा। देखिए इधर इधर से हम ये खूब अच्छे से ऊपर आ गया है, फैन भी ख़त्म हो रहा है। अब इसको हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे वही घसका देंगे। देखिए सब ऊपर आ चुका, देखिए सब चीज़ ऊपर आ गई। देखिए अपने आप यही पहचान होती है अच्छे आटे की, सनाने की। आटा का हमने बनाया है इसलिए ये वाइट नहीं होगा, लेकिन ये जो भी होगा बहुत अच्छा बनेगा। ऊपर तैर रहा है देखिए तेल से, उस टाइम में सब नीचे डूबा हुआ था, थोड़ा सा और फैन ख़त्म होगा। अब मैं इसको निकाल दूँगी, ये वाइट इसलिए नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये गेहूं के आटे का है, मैदा इसमें कुछ भी मिला दे देते हो ये वाइट हो जाता, लेकिन हमने मैदा नहीं मिलाया। अक्सर मैं मैदा मिला देती हूँ, इस बार हमने नहीं मैदा मिलाया। सर कॉमेंट भी बहुत था सारा था कि आंटी कुछ आटे का भी बनाइए, आटा मैदा मत मिलाइए। तो हमने सोच करके ये पटरी निकाला, मटरी कि आज मैं इसी का बनाती हूँ। ये मीठी मीठा भी हो जाएगा, बच्चे भी शौक से खा लेंगे, बड़े भी खाएंगे शौक से। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, ये हो चुका है, बचा करके एकदम कुछ भी ना तो मेरा चूर हुआ, ना ही कुछ अच्छा हुआ, बिखरा। अच्छे से सारी चीज़ डालिएगा, सब चीज़ अच्छा होगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब जो फटफट गया कितना अच्छा लग रहा है। इतना फटना ही चाहिए क्योंकि ये इसमें बेकिंग पाउडर सोडा दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा ये खास्ता होगा ही। तैयार हो गई, अब मैं इसको देखिए कितनी करकर आवाज़ है। अगर अच्छे से बनाएंगी जैसा हमने ट्रिक बताया है तो ऐसा ही फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। बहुत अभी गर्म है, हाथ भी जल रहा है, देखिए एकदम नान खताई के तरह इसका शक्ल निकला है, पूरा फटफट करके जैसे नान खताई बनता है उसी तरीके से ये हुआ है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किस शहर से देख रही हैं हमें बताएं, मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट का जवाब भी मैं देती हूँ। और कहाँ से देख रही हैं, कैसा लग रहा है ये मटरी, आप अपने भाषा में क्या बोलती हैं। शकरपाला भी कहलाता है, शकरपाला स्क्वायर में होता है, मटरी है, और ये इसको जो भी कहिए बिस्किट भी कह सकती हैं। देखने से कितनी खूबसूरत इसकी खूबसूरती आई है, आवाज़ भी देख रही है कितना अच्छा है, कर कर की आवाज़ एकदम से बहुत अच्छा कुरकुर चलाया है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।